कक्षा 11वीं भौतिक, मैं आरएफ प्रसाद सर आज आप लोगों को भौतिक जगत एवं मापन कराने जा रहा हूं। चलिए इसका भाग दो है। तो ये उदाहरण दिया हुआ है, गति के समीकरण एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की शुद्धता की जांच कीजिए, जहां एस विस्थापन, यू प्रारंभिक वेग और ए त्वरण तथा टी समय है। चलिए देखते हैं इसमें, पहले लिख लेते हैं एस बराबर कितना दिया हुआ है, यूटी दिया है प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। तो क्या करना होगा, हमें निकालना होगा एस की विमा। तो एस की विमा बराबर कितना हो जाएगा, ये तो आपका एल हो जाएगा, एस की विमा एल है। और फिर निकालना है हमें यूटी की विमा। U की विमा होती है एल टी माइनस वन, यानी ये वेग है, और समय की विमा T होती है। तो कितना हो जाएगा, ये एल टी से ये T कट जाएगा, तो ये केवल L ही बचा रहेगा। तो ये आपका हो गया U T की विमा। ऐसे ही 1/2 ए टी स्क्वायर की विमा निकाल दीजिए, निकाल दीजिए जरा कितना हो जाएगा। 1/2 की कोई विमा नहीं, तो ए त्वरण हो गया, त्वरण की विमा जो होती है एल टी माइनस टू होती है, और टी की विमा टी होती है, इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू, और इधर टी की पावर टू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये दोनों पावरें कट जाएंगी आपस में, तो क्या बच जाएगा, ये केवल एल बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, एस की विमा, यूटी की विमा और 1/2 ए टी स्क्वायर की विमा तीनों ही बराबर है। तो यहां लिख लेंगे एस की विमा बराबर यूटी की विमा बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर की विमा, सभी बराबर है, अतः सूत्र हमारा सही है। अतः क्या हुआ, विमीय दृष्टि से, विमीय दृष्टि से यह सूत्र या समीकरण क्या है, सही है। ये यहां तक ही करना होता है। चलिए आगे देखते हैं, यह समीकरण दी है t बराबर 2π√L/g की शुद्धता की जांच कीजिए। तो फिर से लिख दे रहा हूं, t बराबर है 2π√L/g, शुद्धता की जांच करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की विमा लिख लेते हैं, बराबर क्या है टी की विमा, टी समय है तो समय की विमा टी होती है। अब लेते हैं राइट हैंड साइड की विमा, ये हो जाएगा आपका 2π√L/g की विमा। तो 2π की तो कोई विमा ही नहीं होती है, एल की विमा तो एल ही हो जाएगी, और बटे में जी है त्वरण है, यानी एल टी माइनस टू है, ये विमा होगी, और इस सब का अंडर रूट है, तो अंडर रूट भी लगा दीजिए। चलिए देखिए, एल से तो एल कट जाएगा, टी ऊपर जाकर के टी स्क्वायर हो जाएगा, और कुल मिलाकर के ये टी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, दोनों बराबर हो गई, अतः विमीय दृष्टि से समीकरण सही है। ये जांच केवल विमीय दृष्टि के लिए ही है। चलिए आगे देखते हैं, एक और दिया हुआ, किसी सरल लोलक, ये क्या है, किसी सरल लोलक का आवर्त काल यानी कैपिटल टी, उसकी लंबाई, प्रभावी लंबाई स्मॉल एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि से सरल लोलक के लिए आवर्त काल के व्यंजक की स्थापना करनी है। चलिए उसको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना जो आवर्त काल है, आवर्त काल जो है वो टी होता है, टी जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है, प्रभावी लंबाई एल पे निर्भर कर रहा है, तो एल की पावर ए कर देंगे, और गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर कर रहा है तो जी की पावर बी कर देंगे। तो ये हो गया हमारा विमीय विधि से मानने वाली चीज। तो ये t बराबर कितना हो जाएगा, इसको k मान लेंगे कोई नियतांक, और l की पावर a हो जाएगा, और g की पावर b हो जाएगा।
देखते हैं क्या करते हैं। दोनों ओर की बीमाएं रखने पर, दोनों ओर की बीमाएं रखने पर क्या संतुलन की स्थिति में कहते, एक ही मतलब है। बीमाएं रख लेते हैं, इधर तो आवर्त काल है, समय है, टी हो जाएगा, के की बीमा नहीं होगी, एल की बीमा एल ही रहेगी, तो इसकी पावर ए हो जाएगी, और जी की बीमा होती है एल टी माइनस टू होती है, त्वरण है, त्वरण की बीमा हो जाएगी, तो ये डी हो जाएगा। इधर तो टी ही लेना है आपको, इधर क्या हो जाएगा एल की पावर ए हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, इधर हो जाएगा एल की पावर बी और टी की पावर माइनस टू भी हो जाएगा। तो टी इधर ले लेते हैं फिर से, तो यहां हो जाएगा एल की पावर, अगर ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, और टी की पावर ध्यान से देखो तो कितना जाएगा माइनस टू भी हो जाएगा। ये दोनों ओर बीमाओं की तुलना करने पर, दोनों ओर बीमाओं की तुलना करने पर चलिए तुलना कर लेते हैं। तो इधर देखो t की पावर माइनस का टू भी है, तो माइनस टू भी ले लीजिए बराबर, यहाँ t की पावर एक है तो एक ले लीजिए, तो यहां से b बराबर हो जाएगा माइनस का एक बटा दो। दूसरा और देख लीजिए, इधर l तो है ही नहीं, तो l नहीं है तो a प्लस बी का मान जो है वो जीरो हो जाएगा, तो a का मान माइनस बी हो जाएगा, यानी a का मान माइनस एक बटा दो रखेंगे तो ये प्लस का एक बटा दो हो जाएगा। अब वह ये जो है समीकरण नंबर एक थी, ए व बी के मान कहां रखेंगे, समीकरण एक में रखेंगे, तो ए व बी के मान समीकरण एक में रखने पर रख दीजिए जरा, तो टी बराबर के हो जाएगा, एल की पावर कितना हो गया एक बटा दो हो जाएगा, और जी की पावर माइनस का एक बटा दो हो जाएगा, तो t बराबर k हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम, ये अंडर रूट आ जाएगा और l बटे g बन जाएगा, क्योंकि एक बटा तो माइनस किया तो बटे में आ जाएगा। ये प्रयोगों द्वारा k का मान 2 पाई पाया जाता है, ये ध्यान रखना, प्रयोगों द्वारा k बराबर 2 पाई प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही ये प्रयोगों द्वारा है, k का मान 2 पाई प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या सूत्र आ जाएगा, t बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन d। इसका कोई और तरीका नहीं है, केवल प्रयोग द्वारा ही बता करके हम इसको लिखते हैं, और सूत्र आपको याद होना चाहिए, यही आपका संबंध है और यही आपका आंसर हो जाएगा, वो तो आराम से ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं, किसी स्थान पर गुरु के त्वरण स्मॉल जी का मान 9.8 है, यानी स्मॉल जी का मान जो दिया हुआ है कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये N1 का मान दिया हुआ आपको 9.8। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक मिनट में लिया जाए तो जी का मान कितना होगा, चलिए देखते हैं इसमें कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं इसका विमीय सूत्र, जी का विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र ये होता है एल टी माइनस टू होता है, ये त्वरण है, तो ये U1 लेंगे तो U1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, और N1 का मान कितना हो गया 9.8 हो गया। ध्यान रखना L1 का है में, L1 मीटर में, और T1 क्या है सेकंड में। ऐसे ही L2 निकालेंगे तो L2 क्या हो जाएगा, यहाँ ये U2 है, L2 नहीं है बच्चों, ये U2 है, U2 तो ये L2 हो जाएगा, और T2 की पावर माइनस टू हो जाएगा। अब यहां बताना पड़ेगा, जहां L2 का है किलोमीटर में लेना था,
किलोमीटर और टी टू कहे में है, ये समय जो है मिनट में लिया गया, तो यहाँ मिनट लिख देते हैं। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, और एन टू आपको निकालना है, तो ये होता है ध्रुवीय संतुलन, यानी कि एन टू यू टू इक्वल टू एन वन यू वन। तो चलिए रख दीजिए इसमें एन टू का मान कितना हो जाएगा, एन वन आ जाएगा यू वन अपॉन यू टू हो जाएगा। चलिए एन वन का मान हमारे पास 9.8 है, यू वन का मान हमने अभी निकाला है कितना है, ये एल वन है टी वन की पावर माइनस टू है, और यू टू का मान है एल टू टी टू की पावर माइनस टू है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 एल वन अपॉन एल टू हो जाएगा, और इधर आ जाएगा टी वन अपॉन टी टू, लेकिन पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की टू हो जाएगी। तो ये 9.8 ही रहेगा, एल वन कहे में नापा गया था मीटर, और ये एल टू कहे में था किलोमीटर में था, ये ऐसे रह जाएगा, ऐसे टी वन कहे में था सेकंड में था, और टी टू कहे में नापा गया है, टी टू है मिनट, मिनट लिख दीजिए, इसकी पावर माइनस टू हो गई। तो अब इसको थोड़ा सा और सही कर लीजिए, तो 9.8 है, मीटर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन किलोमीटर में हजार मीटर होते हैं, तो ये हजार मीटर हो गया, और सेकंड भी ऐसे रहने दीजिए, तो सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनट में कितना होता है 60 सेकंड हो जाता है, तो इसकी पावर माइनस टू हो जाएगी, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर से ये मीटर कट जाएगा, तो जो आएगा ये 60 जो है पावर ऊपर जाके प्लस की टू हो जाएगी, तो मान जो आएगा निकल करके हम देखते हैं कितना आएगा मान, तो वो अगले पेज पे चलता हूं मैं। ये हमने मान इसका लिख लिया है, तो ये आपका पीछे मान बचा था, तो इसमें देखो एन वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 1/1000 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 60/1 की घात माइनस वो की जगह प्लस 2 हो जाएगी। अब ये आ जाएगा 9.8 इंटू 1/1000 है ये 1000, और ये 60 × 60 हो जाएगा। चलिए काट पीट करके देख लेते हैं, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और कुछ कटता है तो काट सकते हो, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, ये 9.8 हो जाएगा गुणा छह एक और आ गया, और बटे में कितना आ गया 10 आ गया है, तो 6 × 3 = 36 यानी कि 9.8 गुणा ये हो जाएगा 3.6। अब इन सबकी गुणा करनी है आपको, गुणा करने पे कितना आएगा वो देखना है आपको, ये आपका हो जाएगा 35.28, कितना होगा यूनिट तो आपको पता चल गई, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक 1 जूल और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए। चलिए देखते हैं कार्य का मात्रक जूल है, यानी कार्य की बीमा लेते हैं पहले, कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य की बीमा ये होती है एम एल 2t - 2, बल गुणा क्षेत्रफल होता है, बल की एम एल 2 - 2 होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, तो बल की बीमा ML t - 2 होती है, और इसकी दूरी की और हो जाएगी L, तो हो जाएगा ये कार्य की बीमा। चलिए देखिए, तो इसमें पहले U1 लीजिए, U1 का मान हो जाएगा M1 L1 और T1 की पावर माइनस टू, जहां बताओगे जहां M1 क्या में है, M1 मीटर में है, और L1 नहीं, ये तो देखो ये गड़बड़ हो गया, ये जो है किलोग्राम में, बच्चों ध्यान रखना M1 क्या में है, किलोग्राम द्रव्यमान है ये, तो किलोग्राम, और L1 क्या में हो जाएगा, L1 मीटर में होगा, और T1 क्या हो जाएगा, ये सेकंड। चलिए U2 भी देख लीजिए, U2 कितना हो जाएगा, यहाँ M2 हो जाएगा और L2 हो जाएगा, T2 की पावर माइनस टू हो जाएगा, यहां भी बताना पड़ेगा जहां M2 कहे में है ग्राम में, और L2 कहे में है ये है सेंटीमीटर में, और बचा T2 तो सेकंड में ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, और N1 का जो मान दिया हुआ है वो एक दिया हुआ है, एक जूल दिया हुआ है, जिसको अर्ग में बदलना है, यानी N2 जो है ये बताना है काहे में, ये अर्ग में होना चाहिए, यानी सीरियस सिस्टम में है। तो चलते हैं संतुलन की स्थिति में क्या होता है, N1 U1 बराबर N2 U2, तो N1
टू का मान निकालना है तो ये एन वन हो जाएगा, यू वन बटे यू टू हो जाएगा। तो एन वन का मान तो एक ही दिया हुआ है, यू वन का मान देख लेते हैं रख करके। यू वन का मान है आपका कितना, ये है एम वन है, एल वन की पावर टू हो जाएगा, टी वन की पावर माइनस टू हो जाएगा। चलिए यू टू का भी देख लेते हैं, यहाँ पर एम टू है, एल टू है और टी टू है, इनकी पावर माइनस टू है, रेशियो टू है। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, एम वन बटे एम टू हो जाएगा, इस पूरे की पावर कितनी रहेगी सेम। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल वन अपॉन एल टू, इसकी पावर टू है, फिर टी वन अपॉन टी टू है, इसकी पावर कितनी हो गई, माइनस की टू हो गई। चलिए एम वन देख लीजिए काहे में था, एम वन आपका था किलोग्राम में, तो यहाँ किलोग्राम लिख दीजिए, बटे एम टू काहे में है, ग्राम में है, तो ग्राम लिख दीजिए। ऐसी L1 है मीटर में, तो मीटर लिख दीजिए, L2 है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। T1 काहे में है, सेकंड में है, और T2 भी सेकंड में है, तो ये सेकंड में ही लिख देंगे, तो माइनस का टू हो जाएगा, सेकंड से सेकंड तो कट जाएगा, कोई बात नहीं। ये बदलने पड़ेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम होता है, और बटे ये ग्राम है ये। और मीटर में क्या होता है, मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, इसके ऊपर पावर बच्चों टू है भी, और नीचे सेंटीमीटर है, यहाँ तो अब एक बचा रह गया, एक की पावर कितनी भी रहे एक ही रहता है। अब इसमें भी ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा वो आपको लिखना है, इसके ऊपर पावर टू है, ध्यान रखना है, 100 सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा। अब 100 की पावर टू हो जाएगा, अब इन दोनों को सॉल्व करना है और एन टू का मान निकालना है। चलते हैं अगले पेज पे देखते हैं जरा, ये एन टू का मान इतना बचा आपका, तो इसको जरा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 यानी 1000 है, गुणा ये कितना हो जाएगा 100 और गुणा 100। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये 10^7 हो जाएगा। तो ये एन टू का मान आ गया, मतलब क्या हुआ कि 1 जूल जो है वो 10^7 अर्घ के बराबर होती है, और यही आपका आंसर है। और इसको याद भी रखना है बच्चों, बहुत जगह काम आता है। चलिए आगे देखते हैं, P बराबर दिया हुआ है, ये हमें सूत्र दिया हुआ है, P बराबर है A प्लस B अपॉन B। तो A और B की विमाएं बतानी है, जहां P दाब है और B आयतन है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे निकालेंगे। P यहां पर देखिए B बटे B दिया हुआ है, B बटे B जो भी दिया हुआ है, तो B की जो विमा होगी वही P की भी विमा होगी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की बीमा बराबर होनी चाहिए, तो यहां लिखेंगे हम ए की बीमा बराबर पी की बीमा। अब पी की बीमा आपको याद होनी चाहिए, तो पी की बीमा जो होती है वो एम एल माइनस वन पी माइनस टू होती है। ये हमने पी की बीमा निकाल दी, यानी ए की बीमा निकल गई, ये आपका एक आंसर आ गया। दूसरा जो है यहाँ पर पी की बीमा और बी अपॉन बी की बीमा बराबर होती है, यानी कि बी अपॉन बी की बीमा जो है किसके बराबर होनी चाहिए, ये पी की बीमा के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ बी की जो बीमा निकालना चाह रहे हैं तो किसके बराबर जाएगा, पी इंटू बी की बीमा हो जाएगी। देखते हैं पी की बीमा कितनी होती है, पी की बीमा है हमारी एम एल माइनस वन पी माइनस टू। वी चूंकि आयतन है तो इसकी बीमा क्या होगी, एल थ्री हो जाएगी। चलिए इसके बाद देखते हैं ये कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, ये माइनस का वन है और ये प्लस का थ्री है, तो ये प्लस का टू बच जाएगा, एम एल टू हो जाएगा और पी माइनस टू हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हुई, ये हुई बी की बीमा। ये आसान है, कर सकते हो आप लोग आराम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यदि वेग समय और बल को मूल मात्रक मान लिया जाए तो द्रव्यमान की विमा बतानी है। तो वेग को मैं वी मान ले रहा हूं और समय को टी मान ले रहा हूं और बल को इसको एफ मान ले रहा हूं। तो अब इसका हम देखते हैं, पहले सूत्र लगाते हैं, तो द्रव्यमान की विमा निकालनी है, द्रव्यमान यानी हम m की विमा निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले लेते हैं हम, तो सूत्र लगाते हैं, बल का क्या होता है, बल बराबर होता है
द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसमें आ जाएगा द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, बल बटे त्वरण। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय, तो यहां तो बल हो गया और ये वेग परिवर्तन यानी कि वेग ले लेंगे, वेग बटे समय दे देंगे, तो ये आ जाएगा बल और गुणा हो जाएगा समय और बटे में कितना हो जाएगा वेग हो जाएगा। इनकी रख दीजिए विमाएं जो मानेंगे कि बल को हमने एफ से दिखाया था और समय को टी से दिखाया था और वेग को हमने वी से दिखाया था, तो जो विमा बन के आई वो कितनी हो गई, एफ हो गया और वी की पावर माइनस वन हो गया और टी हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये द्रव्यमान की विमा होगी, द्रव्यमान की विमा। यदि आवेश Q को मूल मात्रक मान लिया जाए तो धारा की विमा क्या होगी, तो आवेश को मूल मात्रक मान लेते हैं यानी Q मूल मात्रक है, तो आवेश लिख दीजिए, आवेश में हमारा क्या है Q है, तो हम धारा निकाल लेते हैं, तो आवेश बराबर क्या होता है सूत्र लगा लेते हैं हम, ये होता है धारा गुणा समय। इससे धारा की विमा निकालनी है तो धारा निकाल लीजिए, तो धारा कितना हो जाएगा आवेश बटे समय। चलिए धारा की विमा निकालनी है तो यहां लिख दीजिए धारा की विमा, तो आवेश की विमा क्या है क्यू है और समय की विमा टी होती है, तो ये कितना आ जाएगा क्यू आ जाएगा और टी माइनस वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगी धारा की विमा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि ऊर्जा वेग और समय के मूल मात्रक हो तो पृष्ठ तनाव की विमा बतानी है, ऊर्जा वेग और समय, तो ऊर्जा ऊर्जा को हम ई से दिखा रहे हैं इसकी विमा को और वेग वेग को मैं वी से दिखा रहा हूं और समय है समय को मैं टी से दिखा रहा हूं, तो हमें क्या बताना है तनाव का, तनाव कौन सा है पृष्ठ तनाव, प्लस तनाव को मैं एच से दिखा रहा हूं, इसको निकालना है हमें, इसकी विमा बतानी है। प्लस तनाव एस जो होता है, एस का जो सूत्र होता है वो डब्लू बटे डेल ए होता है, यानी कि डेल्टा ए, डब्लू तो ऊर्जा के बराबर है तो यहां पे ई लिख दिया जाएगा और डेल ए का मतलब लंबाई का स्क्वायर हो गया। अब ये लंबाई के स्क्वायर को क्या करेंगे हम, लंबाई को समय से भाग कर दीजिए और समय से ही गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका वर्ग रहेगा, तो ये एस की विमा निकालने का प्रयास कर रहे हैं, देखो कितना हो गया ये ई हो गया आपका और बटे में ये लंबाई गुणा समय यानी कि वेग के बराबर हो जाएगा, तो वी इंटू टी हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। अब इनका विमीय सूत्र लिखना चालू करेंगे, तो ये तो ई रहेगा, विमीय सूत्र ले रहे हैं हम, वी का वी रहेगा और ये टी हो गया, इसकी पावर टू हो जाएगी, तो अब क्या हो जाएगा ये ई हो गया और बटे में कितना गया वी टू हो गया और टी भी टू हो जाएगा, ऊपर जाकर के ये माइनस हो जाएंगे, तो E हो गया V टू दी पावर माइनस टू हो जाएगा और T भी माइनस का टू हो जाएगा और ये S की विमा यानी पृष्ठ तनाव की विमा होगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये एक चालक के तार के सिरों के मध्य विभवांतर मापने में 5% यानी कि डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 ये दिया हुआ है 5%, तथा धारा मापने में 2% यानी कि ये जो दिया हुआ डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 कितना है 2% की त्रुटि होती है, तो प्रतिरोध नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी ये हमें बताना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला को देखते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इससे R निकल जाएगा, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन आई हो जाएगा। अब हम परसेंट वाला सूत्र लगाने की कोशिश करते हैं, देखो परसेंट वाला सूत्र कैसे लिखते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा और प्लस आएगा यहाँ पे डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 हो जाएगा। चलिए रख लेते हैं मान, तो ये जो मान दिया हुआ है ये 5% दिया हुआ है और ये 2% दिया हुआ है, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 7%, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इतने की वृद्धि हो जाएगी यानी इतने प्रतिशत त्रुटि होगी, यही आपका आंसर है। यानी क्या लिखना है हमें, यह प्रतिरोध की माप में लिख दीजिए प्रतिरोध
कि माप में 7% की त्रुटि होगी। ये आंसर आपको लिखना होता है। आज मैं यही छोड़ रहा हूं बस, इसके बाद नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और कम से कम मेरे वीडियो को एक लाइक तो बनता है, मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे जिससे मुझे पता चल सके आप लोग अपना काम कम्प्लीट भी कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर्य प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ।